England vs India second T20I के लिए कैप्टन एच पांड्या, वाइस कैप्टन जे बटलर एंड डार्क हॉर्स वी कोहली है कैप्टन एच पांड्या। इंडिया ऑलराउंडर एच पांड्या टाटा आईपीएल के स्टार्ट से ही अच्छे फॉर्म में है और इंग्लैंड के खिलाफ फर्स्ट T20I में वो पहले इंडियन प्लेयर बने जिन्होंने सेम मैच में हाफ सेंचुरी एंड 4 विकेट हॉल लिया। पांड्या इस फॉर्मेट के टॉप ऑलराउंडर है और बैट और बॉल दोनों से एक्सपोनेंशियल फैंटेसी पॉइंट्स देने का पोटेंशियल रखते हैं। उनकी ये खासियत भी है कि बैट से वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट गियर्स में खेल सकते हैं। इंडिया के लिए लास्ट 5 मैचेस में उन्होंने एक फिनिशर का रोल अपनाया है और अपने फ्रेंचाइज साइड गुजरात के लिए वो एक इनिंग्स बिल्डर का काम करते थे। ओवरऑल हार्दिक के वर्सिटिलिटी और फॉर्म को देखते हुए वे इस मैच में एक मस्ट हैव कैप्टन चॉइस हैं। वाइस कैप्टन जे बटलर। इंग्लैंड के न्यू व्हाइट बॉल कैप्टन जे बटलर T20Is में अच्छे फॉर्म में है और अपने लास्ट 5 इनिंग्स में 227 रन्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 163 बनाए हैं। बटलर इंग्लैंड के लिए बैटिंग ओपन करते हैं और एक ओपनर विकेटकीपर इस फॉर्मेट में गोल्ड डस्ट जैसा है जो रन्स के साथ साथ कैचेस का भी पॉइंट्स देते हैं। मोरओवर वो इंडिया के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं और उन्होंने इस ऑपोजिशन के विरुद्ध 15 इनिंग्स में 373 रन्स बनाए हैं। भले ही वो फर्स्ट T20I में फर्स्ट बॉल पर आउट हुए पर उनका रीसेंट T20 फॉर्म बहुत अच्छा है। ओवरऑल बटलर इस मैच के लिए एक अच्छे वाइस कैप्टन पिक है और डिफरेंशियल पिक भी हो सकते हैं अगर फैंटेसी प्लेयर्स ने फर्स्ट मैच के परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें वाइस कैप्टन नहीं बनाया हो तो। डार्क हॉर्स वी कोहली। वी कोहली इस फॉर्मेट के प्रोलिफिक बैटर्स में से एक है और T20I में 3,296 रन्स के साथ थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर है। उन्होंने सबसे ज्यादा 50s भी स्कोर किया है। कोहली इस मैच में बैटिंग ओपन करेंगे और ओपनर्स को सबसे ज्यादा चांस मिलता है रन्स और पॉइंट्स बनाने के। जनरली ओपनर्स का बाउंड्री परसेंटेज भी अच्छा होता है क्योंकि उन्हें पावर प्ले का एडवांटेज मिलता है। इंग्लैंड के न्यू बॉल अटैक के पास अभी इंटरनेशनल गेम टाइम थोड़ा कम है और ऐसे में अगर कोहली को स्टार्ट मिल जाए तो वे बड़ा स्कोर बना सकते हैं। कोहली बैटिंग के साथ साथ एक गन फील्डर भी है और मैच के की मोमेंट्स पर हॉट स्पॉट्स पर फील्डिंग करते हैं। ओवरऑल इस मैच के लिए वे एक अच्छे लेफ्ट फील्ड पिक है।